And with that, the 2022 season comes to an end. 2022 ये एक बहुत ज्यादा मेमोरेबल ईयर रहा मेरी और मेरी चैनल के लिए। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब एक 19 साल की लड़की जिसको कुछ नहीं पता थी सिनेमेटोग्राफी वीडियोग्राफी की, उसने सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट की। उसने एक विजन के साथ सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट की। उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया, लोगों ने उस पर हंसा, लेकिन वो डटा रहा। उसकी जिंदगी में एक गाइड है जिसने उसको सिनेमेटोग्राफी वीडियोग्राफी का असली मतलब समझाया। फिर उसने एक इवेंट किया जिसमें लोगों ने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसको बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। और उस साल 2022 में उसने 11,000 व्यूज कंप्लीट की अपने चैनल पे, वो भी 200 से भी कम सब्सक्राइबर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का क्यों नहीं। पहले मैं चल नेम वाला कन्फ्यूजन क्लियर कर लेता हूँ। इट्स नॉट जू कश्मीर, इट्स जू कश्मीर। थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। हाँ भाई, मैं कश्मीरी हूँ, मिश्ता कश्यप। तो कश्मीरियों की जान है कश्मीर। जान को हम कश्मीरी में जू कहते हैं। जू उसके साथ अगर कश्मीर बन जाता है जू कश्मीर। वो एलिमेंट्स नेचर है कश्मीर का, इवेंट जो कश्मीर में होते हैं, वो सब कुछ मैं कवर करता हूँ लेकिन अपने स्टाइल में। जैसे आपको पता है कि 10th के एग्जाम्स की डेट्स में पता चल गए हैं, मार्च में होने वाले हैं, तो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं अथवास, एक क्रैश कोर्स जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स फैकल्टी साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं उसको पढ़ाएंगे। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी जिसने 2 बार 3 बार जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स क्रैक करके अपना लोहा मनवाया है वो पढ़ाएंगे। और अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पॉपअप में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं उनकी यूट्यूब। एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, इसमें बिल्कुल कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल था कि भाई आप क्या करते हो यूट्यूब के बगैर। भाई मैं स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ इस्लामिया कॉलेज से। और हाँ, मैं रेगुलरली जाता हूँ, रेगुलर एडमिशन मैंने किया है, नहीं डिस्टेंस थ्रू नहीं किया है। और परसों ही मेरे एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं, अब मैं घर में बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ। तो अगला सवाल मैं पढ़ लेता हूँ कि आपके बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट्स क्या हुए हैं वाइल शूटिंग। तो बेस्ट मोमेंट हुआ था कि मैं ईद साल में गया था और वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा था। और वो मोमेंट्स जो वो इवेंट था वो मेरा बेस्ट इवेंट था। और जो वर्स्ट मोमेंट्स हुए हैं वो मैं एक बार गया था, इवेंट पे ही गया था, तो मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा शूट कर लेता हूँ गीन में। तो मैं गार्ड पे गया, तो वाइल मैं शूट करते करते मेरी माइक अचानक ख़राब हो गई। फिर मैंने अपना थोड़ा मूड सुधारा, तो फिर क्या हुआ कि मैं बैठा था वहीं पर, तो मेरा बैग गलती से हाउस बोट्स में चला गया। फिर बहुत मेहनत लगी भाई वहाँ से उसको वापस लाने में, और फिर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। और फिर वो वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पाया। उस दिन बहुत कुछ बुरा हुआ मेरे साथ, लेकिन मूविंग ऑन, अगली बार मैं फिर से जाऊंगा, कोशिश करूंगा अच्छे से शूट करने की वहां पर। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन बोट वालों का जो वहां पर होते हैं, नाई वाले, उनका। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि आप कितना रेट करोगे अपनी वीडियोज़ का आउट ऑफ 10। तो सिनेमेटोग्राफर मेरे जैसा जो सिनेमेटोग्राफी उठाता है वो हर एक शॉट को 2-3 बार उठाता है, सो दैट लास्ट में वो चेक कर सके जो सबसे स्टेबल, सबसे ज़्यादा क्लियर हो, अच्छा हो, हम वही लगाते हैं। तो चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल था कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। भाई अभी तो करते हैं, पहले उनको लगता था क्या ही कर रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स, एटलीस्ट कि इस चीज़ में, कि स्टूडियो लगाने में मेरी माँ मेरे को बहुत बैक सपोर्ट में है। और हेट की बात रही, और एक सवाल आया था कि आप हेट कैसे टैकल करते हो। भाई मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप को पता है, मेरी ऑडियंस को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही क्या। तो और एक सवाल, सबसे फनी मोमेंट क्या हुआ है आपके साथ जब आप शूट कर रहे थे। तो भाई मेरे साथ फनी मोमेंट एक हो गया कि मैं एक बार गया था शूट पे और मैंने शूट किया, उसका सिनेमेटोग्राफी लिया, मतलब मैंने फ्रंट टू बैक, ऐसे फ्रंट टू बैक लिया एक शॉट। और मैं बाद में देख रहा हूँ उन लोगों ने वो उठाया, मैं उनको बोला चलो उठा दो, क्योंकि मुझे एक ही मोमेंट मिला था वो शॉट उठाने का, उनको वापस उठाना था, वहाँ पर क्लियर करना था वो। तो मैंने उनको बोला रुको मैं उठा देता हूँ उसका सिनेमेटोग्राफी, फिर आप क्लियर कर लेना। बाद में मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने कैमरा पे ऑन
कि वीडियो ऑन पे क्लिक ही नहीं किया था। मैंने फिर खुद पे इतना हंसा है उस दिन, दैट मोमेंट टिल आई रिमेंबर द मोमेंट, वो मेरे सबसे फनी मोमेंट हुआ है मेरे साथ। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल था कि आप कितनी मेहनत करते हो अपनी सिनेमाटोग्राफी पे, मतलब कितना आप हार्ड सिनेमाटोग्राफी के लिए आप कितने पैशनेट हो और कितना हार्ड वर्क किया है। भाई परसों बर्फ थी, माइनस टेम्परेचर था, मैं माइनस टेम्परेचर में शूटिंग के लिए निकला हूँ, मेरे हाथ पैर लग गए थे, इट वॉज लाइक आई वॉज फुली फ्रोजन, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, मगर मैं शूट पे निकला। भाई जब आपको कुछ काम करना होता है, यू हैव टू ओवरकम एवरी सिंगल बैरियर। बैरियर को दिमाग से निकाल दो, बैरियर हैं हाँ हैं छोड़ दो, मेरे लिए बैरियर है ही नहीं। एक ऐसी अपने आप अपने लिमिट्स को पुश करना सीखो अगर आप किसी चीज़ में जा रहे हो। और रही बात मेरी लिमिट्स की, तो मैं बहुत ज़्यादा पुश कर चुका हूँ अपनी लिमिट्स को। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले मतलब रह के अभी शूट करता हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं है शूट करने के लिए। नहीं तो मोस्टली एक सिनेमाटोग्राफर के पास एक एक्स्ट्रा पर्सन या तो एक एक्स्ट्रा हेल्पर होना ही चाहिए, मेरे पास नहीं है। वो भी इवेंट्स में मिनिमम यू शुड गो विद टू पीपल, और मैं अकेले जाता हूँ, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे दो आदमियों की मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर भी। मैं करता हूँ भाई, क्योंकि अपने आप को जब तक मैं पुश नहीं करूँगा तो मेरे को व्यूवर्स कैसे आएंगे। अगला सवाल कि आपकी किस टाइप की इनकम आती है यूट्यूब से। भाई नहीं, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी टाइप की इनकम मेरी यूट्यूब से है, जो भी है मैं अपनी जेब से लगाता हूँ यूट्यूब पे। अभी मैंने बहुत सारा मटेरियल बनाया, लाइक स्टूडियो सेट किया, ट्राइपॉड्स लाए, माइक लाई, तो वो सब कुछ मैंने अपनी जेब से किया है। किसी भी टाइप का मुझे यूट्यूब से भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको चाहिए कि मैं स्टूडियो को आपका फुल स्टूडियो टूर कर रहा हूँ तो मैं वो भी करूँगा। और अगर आपके पास रिकमेंडेशन है कुछ कि मैं किस टाइप के वीडियोज़ बनाऊँ स्टूडियो में, तो ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट्स में, कमेंट करना मगर नहीं भूलिएगा।